हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लीना किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता। सो उसके लिए मैंने कुकर लिया है। हाँ जी, कुकर। कुकर में आपने शायद फर्स्ट टाइम सुना होगा, बहुत अच्छे से पास्ता बॉईल होता है और इसमें हमें ऑयल डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने इधर ये पास्ता लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पास्ता से ऊपर पानी रखना है बस, और हमें एक सीटी लगानी है। कितने अच्छे से पास्ता बॉईल होएगा मैं आपको दिखाऊंगी। बस थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, देखिए हल्का सा सॉल्ट डालना है, और हमें इसमें एक सीटी लगानी है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारा पास्ता कैसे बॉईल होता है। देखिए फ्रेंड्स, एक सीटी के बाद ही हमारा पास्ता बहुत अच्छे से बॉईल हुआ है। हमें इसमें कोई ऑयल की, कोई किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखिए देखिए, बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब मैं इसको छान लूँगी। अब मैं बनाने जा रही हूँ चीज़ी पास्ता। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे दो प्याज लंबी लंबी चॉप कर ली है, एंड शिमला मिर्च, और इधर ये हरी मिर्च दो। तो ये आप हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और वेजेस भी जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। इसमें टमाटर, स्वीट कॉर्न, जो आपको पसंद हो वो वेजिटेबल आप ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ऑयल लेकर उसमें सारे वेजेस डालकर इनको हल्का सा सोटे करना है, ज़्यादा नहीं करना। मैं इनको हल्का सा सोटे करूँगी। देखिए फ्रेंड, हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा बस भूनना है। अब इसके अंदर बाद मैं इसके अंदर पास्ता ऐड करूँगी जो मैंने बॉईल करा था कुकर में। देखिए, तो इसको हम इसमें ऐड करेंगे। एंड इसके साथ ही मैं इसके अंदर मसाले और सॉस ऐड करूंगी। सो यहाँ मैंने लिया है ये ओरिगेनो है, एंड चिल्ली फ्लेक्स, और इधर ये मैंने पिज्जा सॉस ली है, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। इधर मैंने आधे चम्मच के करीब लिए, अपने स्वाद अनुसार आप कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक ले रही हूँ, नमक मैं थोड़ा सा ही लूँगी। याद रहे कि आपको हमने पास्ता जो बॉईल करा था उसमें भी नमक डाला था, तो हमें नमक इधर हल्का ही डालना है। एंड इधर इधर एक चम्मच के करीब मैं इधर टमाटो केचप ऐड करूँगी इसके अंदर, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो पास्ता बहुत यम्मी लगता है, आप भी इसको ट्राई करके देखिए, बहुत ही स्वाद लगता है पास्ता। और हमने फ्लेम मंदी कर रखी है, मंदी आंच पे हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, देखने में कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है, मेरा तो इसे खाने का मन कर रहा है। कुकर में बॉईल करने से क्या होता है कि फटाफट से बॉईल हो जाता है, टाइम भी नहीं लगता। एक तरफ आप पास्ता बॉईल करो और एक तरफ इसकी प्रिपेयरिंग करो, फटाफट से बन जाता है। और आजकल तो बच्चों को का फेवरेट है पास्ता, और इसमें अगर चीज़ ऐड कर दो तो और भी ज़्यादा उनको पसंद आता है। तो इसमें मैं अब चीज़ ऐड करने वाली हूँ। अच्छे से पहले हम इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से मंदी आंच पर ही हम इसको भूनेंगे। मैं इसके अंदर अमूल का ये वाला चीज़ ऐड कर रही हूँ जो नॉर्मली पिज़्ज़ा में यूज़ होता है। आप चाहें तो इसमें जो सा भी चीज़ ऐड कर सकते हैं जो आपका पसंद का हो। सो मैं इसमें ये ऐड करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना यम्मी लगेगा और चीज़ मेल्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा जो चीज़ है वो मेल्ट हो चुका है, और देखने में इतना यम्मी लग रहा है ना। देखिए, ये हमारा, ये देखिए चीज़ी पास्ता बनकर रेडी है। सो मैं इसको इंजॉय करने वाली हूँ, आप भी बनाइए, इंजॉय करिए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइए, लाइक करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।